रावण और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के निर्माता और शाहरुख खान के करीबी दोस्त करीम मोरनी का परिवार इस वक्त बेहद तनावपूर्ण स्थिति में है, क्योंकि उनकी बेटी शजा कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वो इस वक्त नानावटी अस्पताल में भर्ती है और जुहू स्थित मोरनी परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। जल्द ही परिवार के 9 सदस्यों का टेस्ट होगा। इंडिया टीवी के एंटरटेनमेंट एडिटर जोइता मित्रा सरवणा ने देर रात करीम मोरनी से खबर की सच्चाई जानने की कोशिश की तो वे तनाव में थे, लेकिन उन्होंने बताया कि ये सच है कि शाजा कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, मगर उन्हें कोई लक्षण नहीं है। फिलहाल हमने उसे नानावटी में भर्ती कराया है। पूरे परिवार का टेस्ट होने के बाद बाकी सदस्यों के बारे में हमें पुख्ता जानकारी मिल पाएगी कि और कोई सदस्य इससे ग्रसित तो नहीं है, क्योंकि वे सब एक ही घर में रहते हैं। इससे पहले बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। कनिका लंबे समय से लखनऊ के PGI में एडमिट हैं। 4 बार कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कनिका की 5वीं रिपोर्ट में कोरोना नेगेटिव आई है। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि अगली रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Brandy.